हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट में सेल के अंदर गूगल स्प्रेडशीट की ही कोई फाइल कैसे अटैच करते हैं। मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगा और आप फाइल अटैच करने के साथ साथ उसका एक सैम्पल भी देख पाएंगे और उसको अलग से अलग टैब में ओपन भी कर पाएंगे। तो अब मान लीजिए कि इस सेल में हमें गूगल स्प्रेडशीट की ही कोई फाइल अटैच करनी है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब पर। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है स्मार्ट चिप्स पे। ये रहा स्मार्ट चिप्स का ऑप्शन। तो जब कर्सर आप यहाँ ले जाएंगे तो राइट साइड में देखिए आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। हमें फाइल अटैच करनी है तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे। तो जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एट द रेट लिखा हुआ आ गया और ये आपको कई सारी फाइल सजेस्ट कर रहा है जो आपने गूगल स्प्रेडशीट में ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर इसमें से कोई फाइल आपको चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई और फाइल है तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एम टाइप करूँ तो यहाँ देखिए नीचे आपको अलग फाइल सजेस्ट करेगा, ठीक है। ए टाइप करूँ तो अलग फाइल सजेस्ट करेगा। तो इस तरीके से आप मतलब फाइल यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये इनवाइस वाली फाइल हमें यहाँ पर अटैच करनी है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये फाइल यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब जब मैं कर्सर यहाँ ले जाऊँगा, ठीक है, और इस पर सिंगल क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये इसका एक सैंपल भी यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको ये फाइल ओपन करनी है तो ये देखिए यहाँ पर कर्सर बना हुआ आ गया, बस इस पर क्लिक कर दीजिए और ये फाइल दूसरे टैब पर देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है।